उमा की इंडियन रसोई में शेयर करने वाले हूँ आज काले तिल के लड्डू। तो अगर आप हमारी तरफ से काले तिल के लड्डू बनाएंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, और ये काले तिल बहुत ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहिए और हमारी तरफ से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देरी न करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, उमा इंडियन रसोई में सभी का स्वागत है। तो काले तिल को बनाने के लिए हमने ये काला तिल आधा किलो लिया है और इसे रात भर पानी में भिगो के रख दिया था। तो इस तरह से देखिए ये पानी में फूल गया है अच्छे से, और अब इसे हम पानी इसका जो है वो अलग कर लेंगे छन्नी से छान करके। तो इस तरह से छन्नी में हम इसको अलग कर लेंगे तो तिल अलग हो जाएगा और पानी हमारा जो है अलग हो जाएगा। अब 2 मिनट के लिए छन्नी को हम रख देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो अपने आप निकल जाए। जैसे सारा पानी निकल जाएगा तो इस तरह से हम इसे फैला लेंगे एक कपड़े पे और हाथों से इस तरह से रगड़ते हुए दोनों हाथों के बीच इसे हम अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लेंगे। इससे जो होती है इसकी भूसी जो होती है काले तिल की वो निकल जाती है और खाने में इसका जो टेस्ट कड़वा वाला आता है वो नहीं आता है। तो इस तरह से आप भी इसे रगड़ लीजिए, पहले रात भर भिगोइए और भिगोने के बाद ही अपने आप इस तरह से रगड़ने पर इसके जो छिलके होते हैं वो निकल जाते हैं। तो इस तरह से मैंने रगड़ लिया है और इसे अब फैला के रख देंगे धूप में ताकि ये अच्छे से सूख जाए। तो ये अच्छे से सूख गया है और अब इसमें इसको हमने सूप में रख लिया है और जो इसका छिलका मैंने रगड़ा था तो छिलका इसने अलग कर लिया। तो इस तरह से सूप से हम फटक लेंगे, इससे क्या होगा जो छिलका होगा इसका वो निकल जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये जो काले काले छिलके हैं इसके निकल जा रहे हैं अच्छे से। तो उतने तिल में इतना ज़्यादा छिलका निकला है और इसी से कड़वापन लगता है जब तिल बनता है तो बिना इस तरह से धुले। तो ये हमारा आधा किलो तिल है और आधा किलो गुड़ है। तो सबसे पहले हम तिल को भून लेते हैं। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई को रख ली है गैस पे और अब इसमें हम तिल को डाल के अच्छे से भून लेंगे। तो 5 मिनट तक इसी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पे ही गैस पे कढ़ाई को रख के इसमें तिल को हम अच्छे से भूनेंगे। तो एक बार मैंने चेक किया तो ये उतने अच्छे से नहीं हुआ था तो इसे 2 मिनट और भूना है मैंने। और जब ये भूनने लगेगा तो इसका एक पहचान है कि जो तिल होते हैं वो हमारे चलाने पे कलछे से बहुत ही हल्का और बहुत ही लाइट फील होता है। तो इस तरह से देख सकते हैं हमारा तिल भून गया, हाथों से दबाने पे अच्छे से टूट जा रहा है। तो ये हमारा तिल भून चुका है, अब गुड़ को पका लेते हैं। तो गुड़ को पकाने के लिए कढ़ाई को रख दिया गैस पे और जो हमारे गुड़ थे उसे छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से तोड़ लिया है और इसे अब डाल देंगे हम कढ़ाई में पकने के लिए। तो गुड़ को फैला दिया कढ़ाई में और अब इसमें हम डाल देंगे 4 चम्मच के करीब पानी और कलछी से थोड़ा सा चला देंगे इसे हम ताकि नीचे से जले ना। तो ये देख सकते हैं जो भेली है वो गुड़ के फॉर्म में बनना स्टार्ट हो गया है और इसे हम बीच बीच में इस तरह से चलाते रहेंगे। ये देख सकते हैं हमारे गुड़ में उबाल आ चुका है और इसे अभी हम पकने देंगे क्योंकि अभी भी ये अच्छे से हुआ नहीं है। तो इसे हम चलाते हुए अभी पकाएंगे। तो अभी लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि हाँ हो गया है तो मैंने इसे इस तरह से कटोरी में पानी लिया है और इसे चेक किया है। तो अभी देख सकते हैं इसमें डालने पे अभी ये बहुत ही चिपटा सा लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ है। अभी हम 2 मिनट इसे और पकाएंगे गुड़ को, बस थोड़ा सा और पकने की ज़रूरत है। तो 2 मिनट तक हमने इसे इस तरह से चलाते हुए कलछी से
इसे पका लिया है। तो एक बार और चेक करेंगे, क्योंकि अभी हमें लग रहा है कि ये पक चुका है। तो इसे फिर से हम पानी में डालेंगे गुड़ को, और चेक करेंगे कि गुड़ हमारा अच्छे से बाइंड हो रहा है कि नहीं। तो ये देखिए, इस बार चिपक नहीं रहा है और आराम से निकल गया हाथों में। तो इस तरह से हमारा गुड़ इस तरह से हमारा पक चुका है। अब इसे लास्ट 1 मिनट तक मैंने इस तरह से और पका लिया है, और कढ़ाई को बंद, गैस को बंद कर दिया और कढ़ाई को नीचे उतार लिया है। और अब इसमें हम डाल देंगे काले तिल जो रोस्ट किए हुए हैं, और सारे तिल को इस तरह से गुड़ में हम मिक्स करेंगे। प्रोसेस बहुत ही फास्ट करना होता है, क्योंकि गुड़ के पकने के बाद तुरंत तिल को डालने के बाद तिल के लड्डू बनाने होते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये कड़ा हो जाएगा और फिर बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इस तरह से अभी मैंने तिल को अच्छे से मिक्स कर लिया है गुड़ में, और अभी हाथों में पानी लगाएंगे और पानी लगा लगा के इसके छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। तो इसे ये नहीं करना है कि इसे ठंडा होने के लिए रख देना है, बिल्कुल भी नहीं। गर्म पे ही इसे इस तरह से हाथों में थोड़ा थोड़ा पानी ठंडा लगा के, या फिर तेल से हाथ को चिकना करके बनाइए। लेकिन पानी लगाएंगे तो इससे थोड़ा ये होगा कि ठंडा पानी रहेगा और गरम गरम थोड़ा सा बर्दाश्त करने लायक रहेगा हाथों में। तो इस तरह से हम जल्दी जल्दी से सारे लड्डू को बना लेंगे। आप चाहे तो इसमें अपने घर वालों की सहायता ले सकते हैं, इससे जल्दी लड्डू बन जाएंगे ठंडा होने के पहले। तो इस तरह से देखिए, हमारे सारे लड्डू बनके तैयार हो रहे हैं जल्दी से जल्दी। तो हमारे काले तिल की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस तरह से हमारे एक तिल को मैंने तोड़ लिया है, तो ये बहुत ही अच्छे से बने हुए हैं।